देवास जिले में 25,170 बच्चे दर्ज थे, 23,870 छात्र छात्राओं ने पेपर दिया। हमारे संवाददाता से चर्चा में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि 1,300 छात्र छात्राएं अनुपस्थित रहे। वहीं देवास जिले में कक्षा 10वीं का पेपर में छात्र छात्राएं खुशी खुशी पेपर देते नजर आए। वहीं प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस का पालन कराया गया, सभी परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजर किया गया, छात्र छात्राओं को 2 गज की दूरी पर बिठाकर परीक्षा दिलवाई गई। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस प्रशासन मौजूद था। 2 साल के अंतराल के बाद आज छात्र छात्राओं ने पेपर दिया, खुशी खुशी पेपर देके लौटे। वहीं एक छात्रा अपने कलेजे के टुकड़े को बाहर बिठाकर अंदर पेपर देने गई, जब तक बच्चा परिजनों की गोद में रहा। काफी अंतराल के बाद पेपर दिया। आज हिंदी का पेपर कक्षा 10वीं का पूर्ण हुआ। पेपर तो ठीक ही गया है, बट कुछ बच्चों के कारण थोड़ी पढ़ाई कम हो पाई थी, तो पेपर अभी ठीक ठीक गया है आज का तो। और मुझे टाइम पे बुक नहीं मिल पाई थी, तो मैंने कुछ पढ़ाई की कुछ नहीं की, इससे करके भी पेपर दिया है। अच्छा, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी इस तरह ही देती रहूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है पेपर लिखने में आपको? नो, स्टिक बहुत ज़्यादा स्टिक माहौल था, तो इस कारण से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं मेरे। और बाहर मेरी बेबी बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरी बहन का लड़का साथ में आया छोटा, वो 14 साल का है, उसी ने मेरी बेबी को अभी 3 घंटे संभाला है। फार्म कहाँ भरा था आपने? मैंने उज्जैन से फॉर्म भी है। उज्जैन से भरा था। आपका सेंटर कहाँ है? सेंटर यहाँ देवास में है। काय का पेपर था आज आपका? हिंदी का। कैसे है, क्या महसूस कर रहे हैं आप, जो 2 साल के बाद आज पेपर देने का समय मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा पेपर गया है। अच्छा, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छा, अभी कौन सी जगह पे आए थे आप सुबह? आज हम देवास में आए हैं, चिमना भाई कौन का है, शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में। हाँ, यहाँ पर 10वीं का पेपर था आज। हाँ। और 2 साल बाद में पेपर देख बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सरल पेपर दिया था। अच्छा, मतलब इतना कोई कठिन नहीं था। क्या तैयारी करी थी आपने? हमारी तैयारी तो 2 साल से ही चल रही है। अच्छा, पेपर देने में कोई तंगी हो, दिक्कत दिक्कत कोई? पेपर बहुत सरल था, कोई कठिनाई नहीं आई, और बच्चों ने बहुत अच्छे से पेपर दिया है यहाँ पर। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।